मेरी आज की कहानी का नाम है हंसती सेल्फी। नवोदित नेता अपनी छवि चमकाना चाहता था। कुछ सोचकर वो भिक्षुकों के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ जानते हैं इस कहानी में। युवा नेता भिखारियों की बस्ती तक पहुंचा। खाना, पुराने कपड़े वगैरह बांटने के बाद उसने भिक्षुकों के नेता से कहा कि आप सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। उसने सेल्फी स्टिक निकाली और भिखारियों के साथ कई फोटो खींच ली। फोटो तो बहुत बढ़िया आई थी, लेकिन जो कुछ वो तस्वीरों में चाहता था वो नहीं था। नेता ने भिक्षुकों के प्रधान से निवेदन किया, बाबा अपने लोगों से कहो कि हंसते हुए नहीं उदास चेहरों के साथ फोटो खिंचवाएं प्लीज। अगर फोटो में उदास दिखेंगे तो आपकी समस्याओं की बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। प्रधान तो मुस्कुराकर चुप रह गया, लेकिन एक भिक्षुक ने नेता की बात काटते हुए कहा, बेटा हम लोगों ने उदास चेहरे के साथ फोटो खिंचवाना बंद कर दिया है। तुम्हारे जैसे कितने ही लोग अक्सर हमारी बस्ती में आते हैं और फोटो खींचकर ले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या यहीं की यहीं रह जाती है। फोटो सरकार के पास पहुंचे या ना पहुंचे, गैर मुल्कों तक जरूर पहुंच जाती है। इस तरह हम सबकी बदनामी होती है। यही वजह है कि हमने फैसला लिया है अब केवल हंसते हुए फोटो खिंचवाएंगे। हमें हंसता देखकर लोग अंदाजा लगाएंगे कि जब भारत का भिक्षुक भी खुश है तो देश जरूर खुशहाल होगा। अब चुप रह जाने की बारी नवोदित नेता की थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।